अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमारे घर में थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है वसीम की भी, और हाफसा भी थोड़ा बीमार है। उनको कफ़ हुआ हुआ है, फीवर हुआ हुआ है, पूरी बॉडी में पेन है, और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरी बच्ची की बहुत कान में भी दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि लाइटें सुबह से शाम तक जा रही हैं, और फिर जो है मैं आपसे कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, तो अभी जो है वो हम थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। आप जाइए, वीडियो को इन्जॉय कीजिए, और प्लीज़ सबसे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर आके हमारे चैनल को देगा सब्सक्राइब, वीडियो को करेगा लाइक, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुछ कुछ वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर करी, आई होप आपको पसंद आएंगे। मेरी भांजी की जब बेटा हुआ है तो उसकी एक वीडियो थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर ही करना भूल गए, और उसके अलावा भी कुछ कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो कि पता नहीं भाई एडिटिंग करने में जो है ना वो आगे पीछे हो जाती हैं, जो कि शेयर ही नहीं हो पाती। तो आज मैंने वो सारी वीडियोज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी है, तो आप लोग जाइए और उसे इन्जॉय कीजिए। देखिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आए हुए थे व्यूवर्स कुछ मेहमान, तो मेरे पास घर में जो है वो मैक्रोनी का सामान था, और उसके अलावा जो है वो आलू रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलें इसको जो है वो मैक्रोनी को बॉईल करके बनाते हैं। देखें ये काफ़ी अच्छी बड़ी वाली मैक्रोनी है जो कि मैंने बनाई है, और इसको जो है बॉईल करते वक्त जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो फेल हो ही जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, किसी किसी से ख़राब हो जाती है और किसी से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनती है। तो मैंने भी काफ़ी जो है वो बार बनाने के बाद एक्सपर्ट हुई थी मैं इस मैक्रोनी को। तो यहाँ देखें ये आलू बॉईल करके मैंने निकाल लिए थे, और ये शिमला मिर्च वगैरह जो कि मेरे पास सामान रखा था घर में मैं इसी से। और आज जो हमने मैक्रोनी बनाई है बहुत ही ज़्यादा जूसी मैक्रोनी बनाई थी, और बहुत ही यमी बनी थी, और आप ये देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। इसकी ट्रिक यह है कि जब आप पानी को अच्छी तरह बॉयल कर लें ना, जब आपका पानी बॉयल हो जाता है उसके बाद आपने ये मैक्रोनी डालनी है, और उसके बाद आपने जो है उसको निकाल के ठंडे पानी से जो है इसको जो है वॉश कर लें, तो और इतनी ज़्यादा ना गल जाए कि बिल्कुल टूटने लग जाए। अगर ये टूटने लग जाती है तो फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ जो है उसके बाद मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और सॉसेस वगैरह डाल के इसको रेडी किया था, और यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, इतनी यमी बनी थी कि सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, और काफ़ी सारे बच्चे और मेहमान वगैरह जो है वो सब यहाँ पर मौजूद थे, तो सब ने ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉय की और बहुत तारीफ़ की। और इसके अलावा जो आलू बने थे, आलू तो मेरे ख़्याल से चार या पांच ही थे जो कि घर में रखे हुए थे, तो वो भी मैंने बॉईल कर लिए थे, तो इतने मज़ेदार आलू वो बने थे। उसमें मैंने सिर्फ नमक मिर्च मसाला जो है वो और इमली का पल्प डाल के बनाया था, तो बहुत ही यमी यमी से हो गए थे। इसके अलावा हमारे पास पॉपकॉर्न्स थे, पापड़ वगैरह हमने फ्राई कर लिए थे थोड़े से बच्चों के लिए, और बिस्किट भी थे। तो यहाँ जो है बस हमने जल्दी से मैक्रोनी अपनी रेडी करी और आलू रेडी करे, और उसके बाद जो है वो हमने गर्मा गर्म चाय के साथ सबने जो है इन्जॉय किया, और बड़ा मज़ा आया। और आगे जो आप देखने वाले हैं यहाँ पर दिखेगा आपको दस्तरखान जिस पर रखी हुई मज़ेदार सी चाय, मैक्रोनी, आलू, पॉपकॉर्न्स थोड़े से जो है वो जल गए थे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये हो जाता है जब आप जल्दी 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 सारे काम निपटा रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ ये जो है ना मिक्स, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वीडियोस कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो यहाँ जो है वो अफ्तार की जो वीडियोस वगैरह थी वो भी मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ बन रही है भाई फ्रूट चाट बन रही थी, जो कि थोड़ी सी जो है हमने बनाई थी क्रीम वाली चाट, और हफ्सा जो है वो कम खाती हैं क्रीम वाली चाट, तो उनके लिए जो है वो अलग फ्रूट कट कर लिए थे ये देखें। तो यहाँ जो है वो मैंने मिक्स करके नहीं बनाई थी, तो यहाँ रोज़े की तैयारी, और यहाँ पे एक और यानी कि शाबान के जो मुख्तलिफ़ रोज़े थे ना उनकी जो वीडियोस है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। यहाँ मैं आरम के साथ जब गई थी बाहर क्योंकि वसीम का इंतज़ार कर रहे थे और हम वसीम आए नहीं थे, रोज़ा खुलने वाला था, तो फिर मैंने और हम अफसा का भी रोज़ा था, ये रोज़ा शबरात के दिन का रोज़ा है जो कि मैं आरम के साथ बाहर गई थी क्योंकि वसीम गए थे काम पर, और जो है वो वहाँ से उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा था और वो आए भी नहीं थे, और सिर्फ मेरे ख़्याल से 15-20 मिनट रह गए थे रोज़े में। तो मैंने कहा चले अरहम हम बाहर जाते हैं, तो हम बाहर से जो है वो बिरयानी, बच्चों ने कहा कि बिरयानी ले आइएगा, और इतने में हमें वसीम लेने आ गए थे क्योंकि वो भी आ गए थे एंड टाइम पे रोज़े पे अफ्तार पे, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें ले आए थे, और हमने भी बाहर से कुछ चीज़ें ख़रीद ही ली थी, और पकोड़े भी डबल डबल आ गए थे, समोसे वगैरह ये सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें हो गई
कि हर चीज़ डबल डबल हो गई। और हमारे घर में उस दिन पानी का एक कतरा नहीं था, क्योंकि पूरे दिन से लाइट गई हुई थी और पानी भी नहीं था। और जो है यानी कि शबरात वाले दिन उन्होंने लाइट बंद नहीं की थी, तो दूसरे दिन उन्होंने बदला ऐसा लिया कि पूरे दिन के लिए लाइट बंद करके, ये रोज़े से कुछ देर पहले ही उन्होंने लाइट खोली थी तकरीबन मेरे ख्याल से पढ़ ली है। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के मैंने अपनी चाय निकाली है, और हम जो है वो वसीम के साथ चले गए हैं। हफ्सा जो है वो अभी नीचे गई, और हमारी फजर के बाद से आज लाइट गई हुई थी, जो कि अभी रोज़े से आधे घंटे पहले आई है और रोज़ा खुलते के साथ ही दोबारा चली गई है। तो यहाँ मैंने कहा चले मैं अपनी चाय ले आऊँ। और यहाँ देखें सब अंधेरा हो रहा है, पूरे घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा यहाँ पर, और हम भी चले गए हैं। यहाँ मैं बस अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के उठी थी, और यहाँ से आ रही है हवा, तो मैं यहाँ बैठी हूँ और चाय इंजॉय करूँगी अभी। और बाहर भी देखें कितना अंधेरा, आसमान पर भी कितना अंधेरा हो रहा है। और हफ्सा बॉइल कर रही हूँ व्यूअर्स आलू, और यहाँ रखी है मेरे पास कुछ सब्ज़ी, और यहाँ रखे हैं कुछ फ्रूट्स। आपको पता है कि आजकल जो है वो रोज़े भी चल रहे हैं और अफ्तार वगैरह का भी इंतज़ाम करना होता है। व्यूअर्स पूरा दिन लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सारा जो फ्रूट है और जो भी अफ्तारी है वो सब बाहर से आई थी, क्योंकि पूरा दिन लाइट नहीं थी और एक कतरा पानी नहीं था। आपको पता है कितनी तबाही मची हुई है, फ्रूट तो है ही नहीं, इतना ख़राब फ्रूट और इतना महंगा मिल रहा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा रमज़ान में मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है वो अजीब सीन चल रहा है फ्रूट्स को लेकर। केले तो यकीन करें ना होने के बराबर, और कीमत है आसमान पर, लेकिन क्या करें मजबूरी में बेचारे लोग ले रहे थे और इतना ख़राब ख़राब फ्रूट लेके जा रहे थे लोग, मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से। खैर मैं अरहम के साथ गई थी कल, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकली हूँ अरहम के साथ, क्योंकि वसीम से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि वसीम आएंगे इफ्तार पे या नहीं, क्योंकि वसीम चले गए थे। और फिर जब मैं अरहम के साथ गई तो वसीम मुझे फ़ौरन लेने आ गए, क्योंकि वसीम सारा सामान बाहर से लेकर आ गए थे और मैं भी थोड़ा बहुत ले चुकी थी, तो इस तरह डबल डबल इफ्तारी आ गई थी कल हमारी। जो है वो मैं आलू जो बॉईल कर रही हूँ वो बॉईल कर रही हूँ आलू का भुरता बनाने के लिए। मैंने जो है वो अभी हलवा बनाया है, आज जुमरात का दिन है, तो यहाँ मैंने कहा चलें थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं और अगरबत्ती जला दूँगी। और खाने का भी मैंने जो है वो कुछ किया नहीं है, बच्चे भूखे हो रहे हैं तो उनको मैं भी पराठे बना के दे रही हूँ, तो यहाँ मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने आटा निकाला है गूंदने के लिए, और मैंने कहा चले अभी असर की जान हो रही है और पहले जल्दी से हलवा बना के तैयार कर रहे थे, उसके बाद जो है वो बच्चों को खाना देते हैं। बॉईल करके निकाल लिए हैं, ये बॉईल आलू हैं, इनको भी मैं छीलूँगी और उसके बाद जो है वो भुरता बनाऊँगी। सो यहाँ व्यूअर्स बन रहे हैं आलू के पराठे, जो कि मैं अभी बच्चों को बना के दे रही हूँ। और अभी जो है मैंने आलू का भुरता बनाने के लिए जो है आलू रखे हैं, मगर थोड़ा सा पराठा, एक दो पराठे इन लोगों को बना के दिए ताकि ये लोग अभी भी खा लें, भूख लग रही थी इन लोगों को। फिर वसीम आएंगे तो जब गरम गरम बना के दूंगी वसीम को भी। तो यहाँ हम जल्दी से तैयार कर रहे हैं अपने आलू के पराठे। कमेंट करके बताइएगा व्यूअर्स किस किस को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं और कौन कौन शौक से खाता है। तो किचन से मैं आलू के पराठे बनाने के बाद जो है वो बच्चों को साथ ही लेकर आ गई थी, और मैंने यहाँ रख दी थी अगरबत्ती जला दी थी, और हलवा जो बनाया के तैयार किया था वो रख दिया था, फ्रूट था, और बच्चों को जो पराठे बना के दिए थे तो उनका दस्तरखान लगा दिया था, और छोटे छोटे मासूम बच्चे और भी थे इस दस्तरखान पर। तो आपको पता है जब बच्चे दस्तरखान पर होते हैं तो अल्लाह ताला और बरकत देता है, इनके नसीब से और भी ज़्यादा रिस्क जो है वो उसमें इजाफा अता फरमाता है जब नन्हे नन्हे मासूम बच्चे दस्तरखान पे खा के दुआ करते हैं और खुश होते हैं। आपको पता है मासूम बच्चे पहले के ज़माने में बहुत दुआ करते थे, लेकिन अब तो ये सिलसिला भी शायद ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ देखें हमारे बच्चों ने किस तरह से ये आलू के पराठे इंजॉय करके, और दस्तरखान मैं वहाँ समेट रही थी और यहाँ पर वसीम आ गए थे। तो यहाँ आलू का भुरता जो बना के दिया था मैंने गरम गरम वसीम को, उस वक्त मैंने आलू का भुरता बना के नहीं दिया था बच्चों को, बच्चों को सिर्फ आलू के पराठे बना के दिए थे। वसीम आ गए थे तो गैस इतनी स्लो हो गई थी कि पराठे बनाना इतना मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने कहा ये तो पराठे आटा गूंथ चुकी थी मैं,
और अगर फिर गैस बिल्कुल मुकम्मल चली जाती है तो आटा भी ख़राब होता है, क्योंकि हमारा फ्रिज भी अभी आपको पता है ख़राब हुआ हुआ है। तो यहाँ जो है ना वो हमने पराठे तैयार कर लिए थे, बहुत मुश्किल से हुए थे लेकिन फाइनली हो गए थे। तो यहाँ जो है आलू के पराठे, आलू का भुरता और इसी से जो है वो हमने डिनर कर लिया था। यहाँ व्यूअर्स व्लॉग्स आए हुए हैं और ये जो है काम हो रहे हैं यहाँ पर, और कौन सा काम हो रहा है जो कि गलियों वगैरह में जो है वो व्लॉग्स लगते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर मार्केट्स में जाते हैं तो वो जो उनके जो फुटपाथ वगैरह पे जो ब्लॉक्स लगे हैं, तो ये छोटे वाले ब्लॉक्स हैं जो कि आए हुए हैं और बहुत सारे आए हुए हैं। तो सुबह से मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं और काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। किस तरह से ये जो है वो सेटिंग से रखे हुए हैं और वहाँ पे भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और ये सारे यहाँ पर भी जो है ना वो इसी तरह से ये पहले पीछे से काम होता हुआ आ रहा है और फिर ये आगे भी जाएगा सारा, यहाँ पर भी शायद डले। तो ये रमज़ान से पहले शायद ये सारे काम हो रहे हैं, लाइटों पे कुछ होना चाहिए। ये बड़ा मसला जो है ना वो व्यूअर्स इस वक्त लाइट का बना हुआ है कि लाइट के लिए अगर कोई कुछ करे तो मैं कहती हूँ उसको माना जाएगा कि लाइट के लिए जो है ना वो आवाज़ उठानी चाहिए। पूरे आवाम को, मुल्क को, सब ने एक और पर जो है वो एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। अभी यहाँ पर बस गए ना है बच्चों को लेने और अभी आते होंगे, और स्कूल से ऑफ हो गया बच्चों का और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। व्यूअर्स आपको पता है मौसम चेंज हो गया है, और मौसम चेंज होने के साथ साथ जो है मौसम गर्म भी हो गया है, यानी कि गर्मी की तरफ चला गया है। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हवा चल रही है और लाइट नहीं है, पूरा दिन लाइट नहीं है। लाइट के बिना, पानी के बिना पूरा दिन गुजारना बहुत ही अजाब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अजाब होता जा रहा है। यहाँ ये मुर्गी खाना खा रही है और अब इसका जो है ना ये यहाँ से गर्मी आ गई है तो हमने इसे खोल दिया है, सर्दियों में इसे पैक रखते थे हम लोग, और अभी ये पानी वगैरह इसको रखा है, मैंने दाना दिया है। अभी इसको ऊपर छोड़ देंगे, मगर ऊपर काफ़ी गर्मी होती है इस वजह से यहाँ थोड़ा धूप से बचा था, तो इसलिए यहाँ पर इसको रखते हैं आधे दिन, फिर थोड़ा धूप कम हो जाती है तो फिर इसको हवा में छोड़ते हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। और नीचे चल रहा है काम। हाँ नीचे काम चल रहा है। हाँ नीचे क्यों जाओगे? वो मम्मा, उन्होंने जो ईंटें आई थी वो उन्होंने ऐसे रख दी, सीमेंट नहीं लगाई पहले। हाँ ऐसे रख दी, वो देखेंगे ना अभी, देखेंगे किस तरह लगा रहे हैं। अभी यहाँ तक आएंगे ना फिर इनको दिखाएंगे, नीचे व्यूअर्स को भी दिखाएंगे अपने कि किस तरह से लग रहा है। इसके ऊपर पूरी मिट्टी डलेगी। अच्छा इसके ऊपर मिट्टी डलेगी? नहीं ना, नीचे डलती है, पापा तो कह रहे थे मिट्टी। तो भाई बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि हमारे इलाके में हो रहा है काम, और इलाके में हो रहा है काम, और अभी जो है वो मस्जिद की तरफ जो है बैक साइड पे जो मस्जिद है ना, मस्जिद के बाहर बेटा। अच्छा कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, फौरन से कपड़े चेंज करके और भाग रहे हैं भागते हुए, एक्साइटेड होके भागते हुए गए नीचे। मैंने मंगाया है कीमा बनाने के लिए और आप ये देखें कीमे से ज़्यादा इन्होंने हड्डे डाल दिए हैं उसने कसाई ने, और यहाँ मैंने इसको धो के रख लिया है। यहाँ मैंने जो है वो प्याज काट ली है, अब बना रहे हैं आलू कीमा है, वो मैंने आलू भी भिगो दिए हैं। अब इसको जो है यहाँ कीमा भी रेडी है हमारे, आलू काट के डालूंगी बाद में, लेकिन पहले जो है वो कीमे को फ्राई करूंगी क्योंकि लाइट जाने वाली है किसी भी वक्त भी। प्याज वगैरह लाल करके और जो है कीमा डालते हैं और आलू कीमा तैयार करते हैं डिनर के लिए। यहाँ व्यूअर्स मैंने सालन चढ़ा दिया था और अभी जो है बस इसको ढककर गलने के लिए छोड़ दूंगी, आलू कीमा वगैरह, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें हल्की आँच में, ये पककर तैयार हो जाएगा। और देखें लाइट का कहा था मैंने आपसे, लाइट भी जा चुकी है। मैंने निकाली है अपनी चाय मज़ेदार सी और इसके साथ हैं बिस्किट, सुपर बिस्किट। तो आ जाइए व्यूअर्स आप लोग भी जो है इन्जॉय कीजिए मेरे साथ सुपर बिस्किट और चाय मेरी मज़ेदार सी। यहाँ व्यूअर्स हमारा खाना बनकर रेडी हो गया है, मैं इसमें बस हरा धनिया ऐड करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो गया, और गैस जा चुकी है, चूल्हा बंद था हालांकि मैंने इसे दम पे लगाया हुआ था, लेकिन खैर फाइनली हमारा सालन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो है हरा धनिया भी काट के डाल दिया है व्यूअर्स, सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बस गर्मा गर्म रोटियों के साथ हमें इन्जॉय करना है अपना सालन।
गाइस, आपके साथ जो मैं ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये है मोहम्मद ताहा की वेलकम पार्टी की वीडियो, जो कि मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी। ये बेबी हुआ था मेरी भांजी का और ये सबसे पहली भांजी है जिसकी हमारी शादी भी हुई है और इसकी बेबी हुआ है। तो हमने जो है वो इसकी वेलकम पार्टी घर पे ही ऐसी रखी थी छोटी सी कि ये जब हॉस्पिटल से घर आएगी, और ये आई थी अपनी नानी के घर, मतलब बेबी जो आया था वो अपनी नानी के घर आया था। तो हमने मिलकर एक छोटा सा अरेंजमेंट किया था जो कि बच्चों ने देखें ये सारी मेहनत की है, बलून्स में हवा डाली है सारी इन लोगों ने, और ये हुआ था रूफ़ के ऊपर तो काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि आपको पता है जब हवा तेज़ चलती है ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो अभी यहाँ सेटिंग हुई नहीं, अभी हमने यहाँ टेबल लगानी थी, इस टेबल के ऊपर सारा जो है ये सामान रखना है तो ये अभी साइड पे रखा हुआ था, ये बलून्स में हवा भर भर के भी लोग साइड पे रख रहे थे। तो यहाँ जो ये वेलकम वाला लगाया था यहाँ इसके साथ जो रिबन्स लगे हुए हैं ये सारे देखें ख़राब हो चुके हैं हवा से, तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मतलब मेहनत जितनी ज़्यादा मेहनत हो रही थी उसके साथ साथ जो है ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ भी होती जा रही थी। लेकिन फाइनली बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, यहाँ सारे बच्चों ने जो है वो अपने अपना हिस्सा डाला इस पार्टी में और अरेंजमेंट किया। और यहाँ देखें ये हफ्सा जो है वो कुछ दिखा रही है यहाँ पर टेबल के ऊपर, अब सारा सामान आ गया, पहले टेबल से नीचे रखा हुआ था और मैं भी कुछ यहाँ पर बोल रही थी लेकिन यहाँ शोर इतना था कि आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ बिल्कुल नहीं मेरी पता चलती कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो यहाँ मैंने इसलिए वॉइस ओवर किया है। और ये सारे जो गिफ्ट्स हैं ना ये सारे जो है वो बेबी की जो नानी हैं उनकी सारी सिस्टर्स यानी कि हम लोग जितने भी सिस्टर्स थे ये सारे गिफ्ट जो हैं वो बेबी के लिए थे हम लोगों की तरफ से, तो ये सारे सबके जो है ना एक साथ हमने यहाँ पर टेबल पर रखे हुए हैं। तो ये इत्तेफाक से वीडियो जब जो है बनी थी ना उसके बाद जो है वो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, स्पेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था या क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है वो ये वीडियो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई और ये काफ़ी वीडियोस में जो है ना नीचे चली गई थी जिसकी वजह से ये मेरे सामने नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने देखा कि मुझे ये वीडियो मिली तो मैंने कहा ये शेयर करना थी आप लोगों के साथ, तो मैंने आज जो है इसको शेयर करने का मौका मिला। यहाँ जन्नत और मीरब भी कुछ कह रही हैं और अरहम जो थे उस वक्त देखें इनके ग्लासेस भी नहीं लगे हुए, ये जब की वीडियो है और अभी तो इनके ग्लासेस लग गए हैं और इनके साथ आपको पता है कि आईज स्क्विंट हो चुकी हैं। यहाँ जो है ये बेबी के मम्मा बाबा हैं और अल्लाह ताला जो है वो सबको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए अपनी औलाद की, और जो लोग अब तक इस खुशी से महरूम हैं अल्लाह ताला उनकी गोद भरे, मेरी ये बहुत दिल से दुआ है। और जिनकी औलादें हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी औलाद की बेशुमार खुशियां दिखना नसीब करे, औलाद को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए। तो यहाँ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा।